नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास आपकी अपनी पीवीआर स्टडी में, जो आप सभी सैकड़ों लोगों के क्वेश्चन आते हैं बार बार कि सर इस तरह का फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं। आज उन सभी के जवाब मिल जाएंगे एक क्लास में। आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी, इस क्लास को मात्र 5 मिनट देखिएगा, समझ में आने की पूरी 100% गारंटी होगी, एक ना कम ना एक ज़्यादा। लेकिन हाँ, दिल से समझिएगा, और हाँ अगर आप दिल लगा के समझेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छोटे भिन्नों को आप हल करना जानते हैं क्रॉस मल्टीपल वगैरह करके, जैसे कि कहीं पर आपको मिल जाए 2/7 में 1/3 जोड़ना है, आप सिंपल में 3 का 2 में गुणा करते हैं, 3 × 6 = 7 + 7 = 7 और 7 × 3 = 21 इक्वल पा जाते हैं 13/21। हो गया ना उत्तर। तो कैसे करते हैं इसको भाई, देखिए तीन पद वाली भिन्न में क्या अंतर होता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, अगर कोई सही है तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ काठी सही है, नहीं सही है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले ज्यादा अगर लंबी भिन्न है तो इसमें क्रॉस मल्टीपल ज्यादा सुटेबल नहीं पड़ता है, इसमें हम करते हैं एलसीएम का मेथड। तो एलसीएम लेते हैं सभी, हर का एलसीएम लेने पर 2, 5 और 7, तो 2, 5 व 7 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2×5 = 10 = 70। 70 तो होगा एलसीएम की, कुछ और होगा निकाल लीजिएगा। 2×5 = 10 = 70, 5×7 = 35 × 70 70 ही होगा ना। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, आपको सिखाया जाएगा। एलसीएम हो गया 70। अब क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिएगा। 70 में क्या करेंगे, जो 70 एलसीएम आया ना, पहली भिन्न पकड़ेंगे, पहली भिन्न है 1/2, इसका जो हर है इस हर से हम इस 70 में भाग करेंगे। हर से मतलब 2 से, तो 2 से जब हम 70 में भाग करेंगे तो आप जानते हैं 2×3 = 6 आएगा, 1×0 = 2×5 = 10, मतलब कि क्या मिला हमें 35 मिला ना। जो 35 मिला है उससे उसी भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, मतलब एक में गुणा करेंगे। तो भाई 35 का एक में गुणा कर लो तो क्या आएगा, 35 ही आएगा ना। तो इस 35 को चुपके से यहीं पर ला करके लिख देंगे, समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब पहली भिन्न का सारा काम पूरा हो गया है, इसको ऐसे घेर दीजिए, ताला बंद कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं, खत्म हो गया। दूसरे पे आइए, इनको भी वैसे ही करेंगे। अब 5 से भाग करिए 70 में, 5 से 70 में भाग करिए, तो ऐसे कर लीजिए ना, ज़्यादा स्याही ना खराब हो, इसको कुछ चीज़ मत मिटाइए, कुछ चीज़ मिटा दीजिए, तो ये ऐसे आराम से। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 से घटाएंगे तो आएगा 2, उतार लेंगे 0, 5 × 20, और ये कट गया। ऊपर कितना आया, 14, 14 आया ना। अब जो 14 आया ना उससे आप ऊपर वाले में गुणा करेंगे, मतलब 1 में। जब आप 1 में गुणा कर लेंगे इसको तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 14 ही रहेगा। अब बचा क्या, ये 7 अगली भिन्न बची, क्योंकि दोनों भिन्न का काम जो है वो हो चुका पूरा। तो वैसे इसमें भी करेंगे, 7 से भाग करेंगे 70 में, 10 आएगा, 10 का एक में गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा, इसको मैंने नहीं लिखा। अब क्या करेंगे, आगे लिखे नीचे लिख दें, सभी को जोड़ लीजिए, 35, 10, 45 और 45 में 14 जोड़ेंगे तो 45, 14 कितना होगा जी, 45, 10, 55, 55, 4, 59, और ये आएगा 59/70। देखिए 59/70 ये किसी से कटे पिटेगा नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा। जरा सपोज करिए, अगर आपका ये 75/85 आया होता तो आप इसको ऐसे ना लिखते। क्यों ना लिखते, क्योंकि ये कट जाता, अगर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 आप जानते हैं 25 आएगा, नहीं 25 नहीं आएगा, 25 × 5 = 125 हो जाएगा, 25 × 3 = 75, और ये 25 से तो नहीं कटेगा जी, 5 से कटेगा, 5×5 = 25, और ये भी 5 से कट जाएगा, 5×5 = 5×5 = 35, मतलब 15/17 लिखते। लेकिन इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि ये किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा, समझ गए ना। एक अंकल जी ने कल हमसे पूछा कि भाई ये बड़ा छोटा छोटा चीज़ पढ़ाते हो, इसको कौन पढ़ता है। मैंने अंकल जी को बताया कि आपके जैसे ही अंकल लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टेट सीटेट डीएलएड या खुद टीचर है या फिर एमबीबीएस या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि बीटेक के भी स्टूडेंट हैं, तो मैथ में कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो उन्हें नहीं आता है, बहुत बड़े बड़े इक्वेशन तो वो कर ले जाते हैं, उनको आता है, लेकिन ये चीज़ें बचपन में छूट जाती हैं और भूल जाते हैं, उन्हीं के लिए भी शेष होती। और हाँ,
मैं आपको बता दूं, पीबीआर स्टडी के लगभग 80,000 जो स्टूडेंट हैं उनमें से लगभग 80% लोगों की मांग और उनकी पसंद यही मैथ होती है बेसिक, इसलिए आपकी बेसिक क्लास ज़्यादा वरीयता के साथ चलती है। बाकी जो ट्रिकी मैथ होती है, आप देखते होंगे हाई स्कूल की मैथ का क्लास शेड्यूल सेट हो गया है, इसी तरह आपकी इंटर की मैथ भी होगी, हाई स्कूल की मैथ की जगह पर इंटर की भी चलेगी। लेकिन उसमें होता क्या है, टेंथ की मैथ क्लास में जो आपकी संख्या होती है वो 16 होती है लाइव में, तो वहीं जो जीरो लेवल बेसिक क्लास होती है ये संख्या 16 की जगह 86 हो जाती है, लाइव की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये क्लास ज़्यादा चलती है, समझ गए ना। तो आप लोग जो चाहते हैं वही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तीन पद वाली भिन्न का आपने जोड़ देख लिया, अगर इसी भिन्न को सोचिए हमें घटाना भी हो तो क्या करेंगे, इसी को अगर हमें घटाना हो तो इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ मिटाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मिटाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड इसी में, और इसमें हमें घटाना करना है, सब कुछ वैसे ही करेंगे, 70 LCM आएगा, ये 35 आएगा, ये माइनस जो अभी आपने लिखा था वही सब कुछ लिख रहे हैं, केवल बीच में जहाँ प्लस था ना वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये कितना आया था, 5 से भाग किया था 70 में 14 आया था, ये 14 आया था माइनस 10, 7 से भाग किया 7 दहम्मा 10 आया था ना, यही सब तो था ना जी, जोड़ा था तो 35 10 45 4 49 10 59 आया था ना, लेकिन अब जुड़ेगा नहीं क्योंकि हर जगह माइनस हो गया, अब ये घटेगा, क्वेश्चन बदल गया, ध्यान दीजिएगा माइनस हो चुका प्लस की जगह। कुछ लोग क्या करेंगे 35 से 14 घटा लेंगे फिर जो आएगा उसमें 10 घटा लेंगे, लेकिन वो तरीका गलत है, आप प्लस प्लस जोड़ेंगे माइनस माइनस घटाएंगे, तो आप ये माइनस माइनस जोड़ेंगे तो इसका सही तरीका है ये 35 हो जाएगा माइनस 14 में 10 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 24 बटा 70, इसे आप घटाएंगे जब 25 घटाते अगर तो 10 आता, 24 घटा रहे तो 11 आएगा, मतलब ये 11 बटा 70 आएगा, कितना आएगा 11 बटा 70, तो ये अगर आप इसको घटाते हैं तो 11 बटा 70 आता है, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 59 बटा 70 आता है, लेकिन है वही तरीका वही, समझ गए। ये था जोड़ और घटाना तीन पदों वाली भिन्नों का, इसी तरह से आप तीन से अधिक पदों वाली भिन्नों को भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनका गुणा भी कर सकते हैं, इनका भाग भी कर सकते हैं, हम आपको सब कुछ एक सवाल में बता देते हैं। देखिए जोड़ घटाना एक क्या बोलते हैं उसे, एक पहलू, पहलू ही तो बोलते हैं, पल्लू तो नहीं बोलते ना, जोड़ना घटाना एक पहलू का कार्य था, अब गुणा जो है थोड़ा अलग है, इसको कैसे करते हैं, इसमें ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं, मतलब एक का गुणा एक में फिर एक में, तो चाहे एक का गुणा जितना बार करो सब एक आता है, दो का गुणा पांच में 10 और 10 का 7 में 70, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/70 आएगा, गुणा करने पर 1/70 आया, किस पर, गुणा पर, घटाने पर कितना आया था, अभी आपने देखा था कितना आया था भाई, अभी जस्ट मैंने घटाया था ना 11/70 आया था, 11/70 ये क्या करने पे आया था, घटाने पे आया था, जोड़ने पे क्या आया था 59/70 आया था, क्या करने पर, जोड़ने पर, देखिए अंक वही है डिजिट वही है पर क्रिया अलग अलग हो रही तो आंसर अलग अलग आ रहे, समझ गए ना। भाग वाला भी देख लीजिए काहे लिए लगे हाथ, ये भी हो जाए, तो देखिए 1/2 भागे 1/5 और फिर भाग का निशान है 1/7, इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहला फ्रैक्शन को लिख लीजिए जो भी लिखा है 1/2, जहां पर गुणा का चिन्ह लगा है वहां पे क्या करेंगे, ओ सॉरी जहां भाग का चिन्ह है उसको गुणा का लगा देंगे और भिन्न को पलट देंगे, सिर ऊपर पैर नीचे, मतलब 5 जो है ये ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा, दूसरा चिन्ह भी हटा के गुणा कर देंगे, इसको भी पलट देंगे, बस सभी का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 35, 5 × 7 = 35/2, बट देखिए क्या आ रही, विषम भिन्न आ रही, विषम का मतलब ये नहीं कि 35 है तो विषम है, नीचे जो हर है वो छोटा अंश बड़ा है इसलिए विषम है, तो भाग दे लीजिए 2 से, आप जानते हैं 17 × 2 = 34 17 बार जाएगा, मतलब ये फाइनल में हो जाएगा 17 सही और 2/1, यही तो आएगा ना जी, 1/2 आएगा जी, 1/2 17 सही 1/2, ये हो गया भाग करने पर, मतलब आप समझ गए होंगे कि तीन पदों की भिन्न को जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, सब कुछ एक भिन्न में समझ गए। इस क्लास को अगर आपने पूरा देखा तो पूरी उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, इस क्लास को लाइक अवश्य करिए,
अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, लाइव क्लास, पीडीएफ फाइल, लाइव टेस्ट और अन्य सुविधाएं चाहते हैं, तो कृपया इस क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऊपर नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी और फ्री की सभी ऑनलाइन सुविधाओं के लिए विजिट करें pvrstudy.com। आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। ऊपर नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, फ़ोन कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए ऑल टाइम तत्पर है। तो इस क्लास में बस इतना ही। मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल का, उसे अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही चलता है, लेकिन उसमें खासियत होती है कि टेलीग्राम पर एक बार में कोई मैसेज लाखों लोगों को भेजा जा सकता है, मतलब जब चैनल बनता है तो। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम का, उसको अवश्य ज्वाइन कर लें चैनल को, जिससे आप जुड़े रह सकें हमारे साथ और अध्ययन करते रहें बिल्कुल फ्री, कहीं से भी कभी भी। गाँव में हैं, दूर दराज इलाके में हैं, कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शर्म की बात नहीं। तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। ये पंक्तियाँ पुरानी हैं लेकिन हर बात एक नया जुनून देती है, ठीक है ना। तो चलें आगे, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद। फिर से एक नई क्लास के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए इंतजार करिएगा, PVR स्टडी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको सभी क्लास उपलब्ध हो सके।